तो आज हम लोग हैं सीकर रोड पर और सीकर रोड पे एक अपार्टमेंट की बहुत प्यारी और लग्जरी साइट लेकर के आ गए हैं। जैसे कि आप सामने की तरफ देख ही पा रहे हैं, आशियाना ग्रीन के नाम से जो है पूरी ही टाउनशिप होने वाली है। काफी बड़ी टाउनशिप है। फेज 1 फेज 2 सोल्ड आउट हो चुका है। फेज 3 जो है अभी बनने वाला है, उसी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। मैं आपको पहले पूरी एमिनिटीज दिखाऊंगा, फिर एक फ्लैट भी दिखाऊंगा जो यहाँ पर एक टेंटेटिव आईडी के लिए आपको जो है सारी बातें समझ में आ सके। तो टेंटेटिव आईडी के लिए एक फ्लैट भी दिखाऊंगा। जो आज मैं आपको फ्लैट विजिट कराऊंगा वो 2 BHK फ्लैट होने वाला है। प्राइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है, क्योंकि देखिए इस प्राइस सेगमेंट के साथ में इतनी सारी एमिनिटीज़ मिलना थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और साथ ही एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर आपकी फैमिली रहने वाली है जहाँ पर वो बिल्कुल सेफ है और बहुत अच्छी लोकेशन पर है। कहाँ पर है ये आशियाना ग्रीन, तो मैं आपको बता दूँ ये सीकर रोड के ऊपर है और जो अपने मैं अगर बताऊँ सन सिटी, वहाँ से बहुत ही पास में है। एक बार देखिए फ्रंट एलिवेशन, यहाँ से भी देखिए बहुत प्यारा जो है खूबसूरत सा आपको एलिवेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और एंट्रेंस पे ही आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर गार्ड रूम भी अवेलेबल है जो कि इस तरफ आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ पर गार्ड रूम है, तो 24 आवर्स यहाँ पर आपको सिक्योरिटी अवेलेबल हो जाती है। और पूरे टावर में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है कैमराज, काफ़ी सारे कैमराज यहाँ पर लगे हुए हैं। और फ्लैट के लिए यहाँ पर एक बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो एक बिल्डिंग पर आपको यहाँ पर 10 फ्लैट है और एक फ्लोर पर 2 फ्लैट्स होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर फ्लैट के लिए 1 किलोवाट का एक जो है पावर बैकअप दिया गया है बिजली के लिए। तो मैं आपको यहीं से होते हुए सीधे आपको अंदर की तरफ लेकर के चलूँगा और दिखाऊँगा कैसा व्यू होने वाला है जब भी आप एंटर करेंगे। तो एंट्रेंस पे आपको ये एक सेफ्टी जो है पॉइंट दिखाई देगा जहाँ पर जो है ये सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर आपको अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जहाँ पर आपको 24 आवर्स ये अवेलेबल होते हैं। तो आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ जगह पर, एक सेफ हाथों पर है और एक सेफ जगह पर है। और आपको अगर मैं फ्लैट की बात करूँ तो फ्लैट का जो साइज़ होने वाला है वो होने वाला है 1200, लगभग 1200 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर बना हुआ। देख रहे हैं आप बहुत बड़ा स्पेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि बाहर की साइड एंट्रेंस में आपको दिख जाता है। ये देखिए काफ़ी बड़ा स्पेस है। अब यहीं से होते हुए मैं आपको पार्किंग की ओर लेकर के चलूँगा और जहाँ पर पावर बैकअप मैंने आपको बताया जो कि 1 किलोवाट का आपको मिल रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं पार्किंग की ओर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाया गया है। तो देख लेते हैं हम लोग पार्किंग का स्पेस। और जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पावर बैकअप आपको मिल जाता है, तो वो 1 किलोवाट का पावर बैकअप हर फ्लैट के लिए है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जहाँ पर जो स्टोर बनाया गया है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए पहले पार्किंग का स्पेस, बहुत ह्यूज एंड स्पेसियस पार्किंग का स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। और पावर बैकअप की जो मैंने बात की थी वो यहाँ पर है, वो देखिए। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि लाइट चली गई है तो आपके जो है फ्लैट के अंदर लाइट बिल्कुल नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। 1 किलोवाट के लिए पर फ्लैट के लिए आपको अलग अलग यहाँ पर जो है वो सुविधा आपको मिल जाती है। अब यहीं से होते हुए सीधे मैं आपको इसके एमिनिटीज़ की तरफ लेकर के चलूँगा। पहले इसका पोडियम गार्डन में आपको दिखाऊँगा, किड्स प्ले एरिया दिखाऊँगा और जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं वो सारी ही दिखाऊँगा। तो चलिए चलते हैं पोडियम गार्डन की ओर। तो हम लोग आगे हैं पोडियम गार्डन की ओर। तो ये देख रहे हैं आप पोडियम गार्डन है बहुत बड़ा और इसके नीचे ही पार्किंग की स्पेस आपको अवेलेबल कराया गया है। और जो आप ये देख रहे हैं ट्रैकिंग, यहाँ पर जो है ये पाथवे बना करके दिया गया है जहाँ पर आप जो है सुबह शाम के समय थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं। बड़ा जो है गार्डन आपको मिल जाता है, बहुत बड़ा गार्डन एरिया है। देख रहे हैं आप पूरे में गार्डन एरिया है। और ये अभी हम लोग खड़े हैं फेज 2 के अंदर और यहीं पर आप देखेंगे इस साइड में आपको किड्स प्ले एरिया, ओपन किड्स प्ले एरिया आपको दिया गया है। मैं आपको इनसाइड भी जो है किड्स प्ले एरिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ जिम इक्विपमेंट्स भी आपको बाहर की साइड में लगा करके दिए गए हैं। जैसे कि उस तरफ आप देख पा रहे हैं कुछ जिम इक्विपमेंट्स वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ सेटिंग अरेंजमेंट के लिए कुछ बेंचेस अवेलेबल हैं। ये आपको आउटडोर जो किड्स प्ले एरिया है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। पोडियम गार्डन में आज हम लोग हैं, अभी हम लोग हैं और यहाँ से मैं आपको लेकर के चलूँगा जो कि बैडमिंटन कोर्ट यहाँ पर आपको बना करके दिया गया है उस साइड में, वो आप देख लीजिए कैसा होने वाला है। और पास में ही बास्केटबॉल जो है कोर्ट भी बना करके दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ कैसा क्या कुछ आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको स्विमिंग पूल भी मिल जाता है, साथ ही यहाँ पर आपको जो है लॉन्ज एरिया भी मिल जाता है और बैंक्वेट हॉल भी मिल जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, ये बैडमिंटन कोर्ट आ गया है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और यहीं पर इसी के पास में इस तरफ यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आपको मिल जाता है जो है बास्केटबॉल कोर्ट यहाँ पर आपको बना करके दिया गया। ये तो ये आपने देखा इसका 2 और एमिनिटीज़, मैं आपको लेकर के चलता हूँ उसकी 3री एमिनिटीज़ की ओर। तो आ जाइए, तो अभी हम लोग चल रहे हैं लॉन्ज एरिया की ओर और ये मेन एंट्रेंस है, यहीं से एंट्री हो जाती है इसकी। ये देखिए यहाँ पर ये बड़ा स्पेस आपको अवेलेबल करवाया गया है, काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर अभी आपको मिल जाता है। और इस साइड में ये जो है लॉन्ज एरिया मिल जाता है। यहाँ पर देखिए लॉन्ज एरिया कैसा दिया गया है, काफ़ी बड़ा लॉन्ज एरिया है। आप जो है आपके घर में कोई रिलेटिव्स हैं, कोई मेहमान आए हैं, उनके साथ पे अपना वैल्यूबल टाइम या फिर कुछ बातें करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। और कुछ टाइम अपना जो है एक्सपेंड करना चाहते हैं
आपके जो फ्लैट के अंदर आपका मन नहीं लग रहा है, यहाँ पर आप कुछ जो है मैच वगैरह देखना चाहते हैं या कोई एपिसोड वगैरह देखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप इंजॉय कर पाएंगे। यहीं पर इसके सामने की साइड में आप देखेंगे तो किड्स रूम आपको दिया गया है, जो कि किड्स प्ले एरिया है। इनसाइड आपको जो है गेमिंग जोन बना करके दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इंडोर गेम्स जो कि बच्चों के लिए है, किड्स प्ले एरिया ये देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको अवेलेबल करवाया गया है। आपके बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर गार्डन उनको चाहिए तो गार्डन भी अंदर की साइड में ही टाउनशिप के अंदर आ जाता है, और अगर उनको चाहिए कि इंडोर गेम्स अगर कुछ खेलना चाहते हैं तो उनके लिए ये चीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल करवाई गई है, देख पा रहे हैं आप। तो जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो आजकल नहीं हो रही है वो भी उनको यहाँ पर इसी टाउनशिप के अंदर मिल जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एमिनिटीज़ की ओर। तो हम लोग आ गए हैं इसके बैंक्वेट हॉल की ओर, और इस साइड में जिमनेजियम है, तो पहले मैं आपको बैंक्वेट हॉल दिखाऊंगा। आराम से 200 से 300 लोगों तक यहाँ पर आराम से जो एक टाइम में आ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम आप कर सकते हैं। एक बड़ा प्रोग्राम होता है शादी का, रिसेप्शन का, तो वो ईजिली यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा साइज़ यहाँ पर आपको मिल जाता है, बहुत बड़ा साइज़ है जो इसका बैंक्वेट हॉल है, काफ़ी बड़ा साइज़ दिया गया है। जहाँ पर आप छोटी मोटी कोई भी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, शादी प्रोग्राम हो, रिसेप्शन हो, तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, बड़ा साइज़ यहाँ पर आपको मिल जाता है। और अगर देखिए चाहते हैं विजिट करना या परचेज करना, तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है डायरेक्टली यहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव का, वहाँ जा करके डायरेक्टली आप कॉल कर पाएंगे और जो है अधिक जानकारी ले पाएंगे इस प्रॉपर्टी के रिलेवेंट। अभी मैं आपको लेकर के चलूँगा इसके जिमनेजियम की ओर, जहाँ पर आपको जिम के सारे इक्विपमेंट मिल जाते हैं, तो किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर जिम से रिलेवेंट आपको नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जिमनेजियम, जैसे कि सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं, और यहीं से इसकी एंट्री हो जाती है, और यहाँ पर लुक भी बहुत अच्छा आ जाता है इसका, बहुत प्यारा लुक है। यहाँ सामने की तरफ देखिए, यहाँ पर ट्रेडमिल्स यहाँ पर आपको लगा करके दी गई है, दो ट्रेडमिल्स हैं, दो साइकिलिंग है, एक इस साइड में भी आपको साइकिलिंग मिल जाती है। इस साइड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए बेंच प्रेस वगैरह आपको जो है, शोल्डर प्रेस वगैरह, या फिर मैं बात करूँ कि यहाँ पर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं चेस्ट की, तो सारे ही इक्विपमेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर भी साइकिलिंग आपको दी गई है, तो यहाँ पर कार्डियो वगैरह जो चीज़ आप करना चाहें वो चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको लेकर के चलूँगा और दिखाऊँगा इसका स्विमिंग पूल एरिया, जो कि इसके जस्ट पास में ही है, तो वो मैं आपको दिखाते हुए लेते चलूँगा, और फिर मैं आपको दिखाऊँगा इसका सेकेंड एमिनिटीज़ क्या होने वाली है। तो अभी चलते हैं इसके जो है पार्किंग, जो अपने जो है स्विमिंग पूल एरिया के, और जहाँ पर आपको बड़ों के लिए अलग और छोटों के लिए, बच्चों के लिए अलग स्विमिंग पूल एरिया दिया गया है। तो आ जाइए देख लेते हैं कैसा यहाँ पर स्विमिंग पूल एरिया होने वाला है। ये देखिए ये बच्चों के लिए है, यहाँ पर देखिए ये बच्चों के लिए जो है स्विमिंग पूल एरिया यहाँ पर आपको बना करके दिया गया है। प्राइस मात्र 30 लाख रुपये होने वाली है। 30 लाख रुपये में इतनी सारी एमिनिटीज़ के साथ में अगर एक ऐसा अपार्टमेंट मिल जाए, एक ऐसी साइट मिल जाए, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये 4 फीट गहरा यहाँ पर बड़ों के लिए है, देख रहे हैं किस तरीके का यहाँ पर आपको स्विमिंग पूल है, काफ़ी बड़ा साइज़ यहाँ पर स्विमिंग पूल का मिल जाता है। वहाँ पर उस साइड में स्टीम बाथ दिया गया है, वहाँ पर आप स्टीम बाथ भी ले सकते हैं, उस साइड में आपको दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट एमिनिटीज़ की ओर। तो चलिए, तो हम लोग जो है आ गए हैं इसकी नेक्स्ट एमिनिटीज़ की ओर। इस साइड में डांसिंग रूम एंड म्यूज़िक रूम है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। यहाँ बाहर की साइड में आप देखेंगे टफन ग्लास के साथ में UPVC विंडो जो कि बड़ी है, ये आ जाता है डांसिंग रूम, जैसे कि बड़ा साइज़ है आप देख पा रहे हैं। देखिए आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप कर रहे होंगे, 30 लाख रुपए में ऐसी प्रॉपर्टी मिलना थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है रियली में, वो भी अपने जो है सीकर रोड के ऊपर मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आशियाना ग्रीन के नाम से प्रॉपर्टी है, ये म्यूज़िक रूम है, जहाँ पर देखिए अगर कुछ बच्चे म्यूज़िक सीखना चाहते हैं तो वो रूम यहाँ पर आपको मिल जाता है। कुछ इस तरीके से इसका पूरा का पूरा इंटीरियर किया गया है, देखिए पूरा इंटीरियर आप देखिए कैसा प्यारा सा खूबसूरत सा इंटीरियर यहाँ पर आपको मिल जाता है। AC लगा करके दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। यहीं से होते हुए सीधे मैं आपको 8 रूम की तरफ लेकर के चलूँगा, और 8 रूम दिखाऊँगा मैं आपको जो कि सामने की साइड में है। आपके बच्चों में ऐसी कोई चीज़ है कि वो आर्ट करने में बहुत ज़्यादा जो है कम्फर्टेबल फील करते हैं, तो ये देखिए 8 रूम है, यहीं पर कुछ भी वो चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा स्पेस है, और जो यहाँ पर एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है, अपने बच्चों को मिल जाता है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं मोबाइल्स का काफ़ी ज़्यादा समय है, बच्चों के पास हाथ में मोबाइल हम लोग पकड़ा देते हैं, वो 24 घंटे मोबाइल देखते हैं, जिनसे उनकी आँखें भी ख़राब होती है और फिजिकल स्ट्रेंथ भी उनकी कम हो जाती है। तो उसी के लिए देखिए एक ऐसी जगह पर अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं जहाँ पर उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ से अगर व्यू देखेंगे तो देखिए बहुत प्यारे नज़ारा यहाँ से आपको दिखाई देता है, पूरा सीकर रोड यहाँ से आपको दिखाई देता है। और यहीं से होते हुए सीधे मैं आपको लेकर के चलूँगा इसके
इंडोर गेम्स की ओर, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे इंडोर गेम्स मिल जाते हैं। यहाँ पर है इंडोर गेम्स। और अगर अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं तो उनके लिए भी कुछ गेस्ट रूम्स बना करके दिए गए हैं, लुक लाइक ए होटल। यहाँ पर देखेंगे गेम्स रूम, ये देखिए यहाँ पर आपको टेबल टेनिस मिल जाता है, दोनों ही साइड में दो टेबल टेनिस के ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर आपको बिलियर्ड्स मिल जाता है, तो देखिए बिलियर्ड्स भी यहाँ पर आपको दो है, ये देखिए। और उस साइड में देखेंगे तो विंडो है जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन बना रहेगा। एक बार घूमिए, पूरा देखिए, कैमरे को घुमा के दिखाइए कि कैसा यहाँ पर इंटीरियर है। सामने वाली वॉल पे देखिए, बहुत प्यारा व्यू है। और अगर आप चाहते हैं कैरम खेलना तो यहाँ पर कैरम भी है, ये देखिए इस साइड में यहाँ पर कैरम बोर्ड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अभी मैं आपको गेस्ट रूम भी दिखा देता हूँ, गेस्ट रूम कैसा होने वाला है। अगर आपके घर में कुछ मेहमान आए हैं और उनको आप ऐसी जगह पर एक ऐसी अकोमोडेशन देना चाहते हैं जहाँ पर एक होटल का फील उनके आए, तो यहाँ पर देखेंगे ये आ जाता है सामने की साइड में। तीन रूम्स हैं, 1, 2 and 3। इसका सोसाइटी आपसे कुछ पैसा चार्ज करेगी, लगभग 500 रुपये के अराउंडली। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लगेगा कुछ होटल जैसा है। आपके घर में तीन आपके गेस्ट आ चुके हैं तो गेस्ट यहाँ पर ठहर सकते हैं। देखिए साइज़ बहुत अच्छा है, और 1, 2 and 3। 2 यहाँ पर पर्सन यहाँ पर जो है स्लीप कर सकते हैं, 1 पर्सन यहाँ पर स्लीप कर सकते हैं। यहाँ पर सामने की साइड में विंडो है, यहाँ पर आपको बड़ा सा मिरर सामने की साइड में, जस्ट इधर देखेंगे तो यहाँ पर LED है जहाँ पर वो अपनी कुछ भी वेब सीरीज़ वगैरह देखना चाहें वो देख सकते हैं। कुछ यहाँ पर आपको वार्डरोब्स है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है ये इसका बाथरूम, जो कि अटैच बाथरूम आपको दिया गया है, जहाँ पर पूरी सुविधाएँ आपको दी गई है। यहाँ पर ये देख रहे हैं कुछ, अगर वो बैठ करके कुछ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चाहते हैं या कुछ खाना वगैरह का उनका है गर्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन भी है, बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए ये जगह भी है। यहाँ पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाता है। तो आज जो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी दिखाई है ना, ये सच में बहुत लाजवाब प्रॉपर्टी है। अब सीधे हम लोग चलेंगे यहाँ से फ्लैट की ओर, तो चलिए चलते हैं फ्लैट की ओर। तो हम लोग आ गए हैं डायरेक्टली फ्लैट की ओर, और फ्लैट की अगर बात की जाए तो ये जो फ्लैट होने वाला है ये तो 1250 स्क्वायर फीट एरिया में है, लेकिन एक टेंटेटिव आइडिया के लिए मैं आज आपको ये फ्लैट दिखा रहा हूँ जो कि फेज़ 1 के अंदर है, और जो आपको फ्लैट मिलने वाला है वो फेज़ 3 के अंदर मिलने वाला है। देखिए ये 1250 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर है, लेकिन लगभग आपको जो वो फ्लैट मिलेगा वो 1200 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर मिलेगा। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसा फ्लैट आपको मिलने वाला है। तो देखिए कुछ इस तरीके का साइज़ आपको मिल जाता है। हॉल का जो साइज़ है वो काफ़ी स्पेसियस आपको दिया गया है, और इसी साइड में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाती है बालकनी। बालकनी यहाँ पर आपको दो दो रहेगी, एक इस साइड में बालकनी दी गई है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बालकनी है, यहाँ से पूरा व्यू आप देख पाएंगे। और जो फ्लैट आपको बन करके मिलने वाला है वो आपको पार्क फेसिंग मिलेगा, क्योंकि उसके सामने जस्ट जो है पार्क होने वाला है। आसपास की जगह आप देख सकते हैं, मैंने वैसे आपको लोकेशन बता दी है कहाँ पर ये लोकेशन है, सारी एमिनिटीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब सिर्फ मैं आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ कि कैसा यह फ्लैट होने वाला है। देखिए आपने हॉल देखा, हॉल के साथ में हम लोग देखते हैं किचन, किचन कैसा होने वाला है। तो किचन यहाँ पर आपको हाफ यू शेप में किचन मिल जाता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और काउंटर टॉप ग्रेनाइट के वर्क के साथ में एज इट इज़ जैसा ये है वैसा का वैसा मिलेगा। एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको देखिए लाइट कोई नहीं जल रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर प्रॉपर लाइट, यानी कि प्रॉपर यहाँ पर आपको जो है सनलाइट आ रही है, प्रॉपर यहाँ पर आपको वेंटिलेशन हो रहा है। सामने की साइड में विंडो का प्रोविजन है जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका बना रहेगा। और इस साइड में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये देखिए फ्रिज रखने का स्पेस यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाता है, साथ ही किचन की हाइट भी अच्छी है। मैंने आपको बताया कि ये जो फ्लैट्स होने वाले हैं जी प्लस 4 की बिल्डिंग होने वाली है, एक फ्लोर पर सिर्फ 2 ही फ्लैट्स होने वाले हैं। टोटल फ्लैट्स की अगर मैं बात करूँ 10 जो है फ्लैट होने वाले हैं। एमिनिटीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ तो बार बार उसे बताना भी, वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। वाओ, आप जो है शुरू से देख सकते हैं, अगर आप वीडियो अगर आपने स्किप करी है तो। यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर इसका ये आ जाता है इसका बाथरूम, जो कि कॉमन बाथरूम है। यहाँ पर आपको जो है वेस्टर्न शीट लगा करके दी गई है, टाइल्स बिल्कुल हाइट तक है, तो सीलन पपड़ी से रिलेवेंट कोई समस्या नहीं आएगी। प्राइस जो इसका होगा वो होगा 30 लाख रुपये, और 30 लाख रुपये में एक इतना बढ़िया और इतना आलिशान सा फ्लैट आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये आ जाता है इसका बेडरूम, बेडरूम का साइज भी यहाँ पर स्पेसिस है, और सामने की साइड में इस तरफ आपको वार्डरोब दी गई है, तो आपका वार्डरोब यहाँ पर सेट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो विंडो का प्रोविजन है जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका बना रहेगा। देखिए प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन के साथ में पूरी ही बिल्डिंग होने वाली है, और बहुत सारी एमिनिटीज़ के साथ में। प्राइस मात्र और मात्र 30 लाख रुपये होने वाला है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कैसा इसका जो है यहाँ पर ये साइज़ दिया गया है। देख पा रहे हैं यहाँ पर भी बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है, जहाँ पर अपना जो भी जो कुछ अगर आप चाहते हैं कुछ वुडन का यहाँ पर बनवाना तो वो भी चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं। और सबसे एक अच्छी बात लगी है मुझे यहाँ पर कि हाइट बहुत अच्छी है यहाँ पर,
ये आ जाता है इसका जो है सेकंड बेडरूम। बेडरूम का साइज यहाँ पर काफी स्पेसेस है, सामने की साइड में विंडो का प्रोविजन है जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन बना रहेगा। और ये आ जाता है इसका सेकंड बालकनी का स्पेस। बालकनी यहाँ पर बहुत ही स्पेसेस दी गई है जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, और आसपास का एरिया भी देखिए, पूरी बसावट, पूरा जयपुर यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। कहाँ पर लोकेटेड है? सीकर रोड के ऊपर लोकेटेड है, मैं आपको फिर से बता दूँ, और सन सिटी के पास में है। यहाँ से हम लोग चलेंगे सीधे, ये जो इसका बाथरूम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आ जाता है इसका अटैच बाथरूम। इस साइड में देख सकते हैं आप अटैच बाथरूम कैसा होने वाला है। बहुत ही स्पेसियस साइज में यहाँ पर अटैच बाथरूम भी आपको मिल रहा है, और टाइल्स कॉम्बिनेशन और प्रॉपर आप देख रहे हैं किस तरीके का यहाँ पर ये जो बाथरूम मिल रहा है आपको। तो आज जो मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाई, ये प्रॉपर्टी मैंने सिर्फ एक टेंटेटिव आईडिया के लिए आपको दिखाई है ताकि आपको पता चल सके जो फेज थ्री तैयार हो रहा है वो कैसा मिलेगा। तो एज इट इज़ ऐसा ही मिलेगा लगभग, और आपको उसका जो साइज़ होगा वो 1200 स्क्वायर फीट होगा। ये आपने देखा 1250 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर, ये सिर्फ मैंने एक टेंटेटिव आईडिया के लिए आपको बताया है। प्राइस 30 लाख रुपये होने वाला है, बहुत सारी एमिनिटीज़ के साथ में ये प्रॉपर्टी आप अपनी बना सकते हैं। लोन की अगर मैं बात करूँ तो लोन यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो 90% तक लोन हो जाएगा, लोन से रिलेवेंट कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो फेस थ्री रेडी होने वाला है, उसका भी जब रेडी होगा तो उसका वीडियो भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। लेकिन अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि एडवांस बुकिंग यहाँ पर चल रही है, क्योंकि जो यहाँ पर फ्लैट्स बनेंगे वो एडवांस में ही बुक होकर सेल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई लगभग सारा का सारा सोल्ड आउट है। अगर आप भी चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को परचेज करना या विजिट करना, तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर के आप कॉल कर सकते हैं प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए या विजिट करने के लिए। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। वीडियो आया पसंद तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।